हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, जैसा कि इसका हमारा एक वीडियो बन चुका है। तो अगर आप लोग ना देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, या फिर चैनल में जाइएगा देख लेगा। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि के दूसरे क्वेश्चन, जैसे कि अभी हमने उदाहरण बताया था और एक क्वेश्चन बताया था और एक्सरसाइज दिखाई थी कि आप लोग करिएगा, नहीं करे हैं या फिर करे भी हैं तो मैं इसके एक दो क्वेश्चन और बताएंगे, फिर विलोपन देखेंगे। तो दोस्तों, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम राहुल कुमार, जैसा कि चैनल में लिखा है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का अपना वीडियो। और दोस्तों, जो आपके साथ 10th में होंगे उनको वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि सब्सक्राइब करें और वो भी पढ़ सकें। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा वीडियो ये नीचे कॉपी में दिखाई दे रहा है, मैं बोर्ड में बनाता हूँ, बट अभी हम इसमें बना रहे हैं, जल्द ही हम बोर्ड में बनाएंगे, जैसा कि हमारे चैनल में कुछ वीडियो पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। ये हमने बताया था अगली वीडियो में, जैसा कि आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो ये सब हम अगली वीडियो में बनाए थे, या फिर चैनल में जाइएगा, वहाँ भी मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों, तो ये आप लोग देख सकते हैं कैसे हमने बताया था। लंबा वीडियो हुआ था क्योंकि विस्तार से बताया था, लेकिन अब थोड़ा जल्दी बताएंगे, जिससे कि ज़्यादा लंबा वीडियो हमारा ना हो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। ये अभी हमारा यहीं तक है, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा ये। अब इसे हम थोड़ी इधर किए थे तो वो भी देख लेते हैं, इधर पार्ट। तो दोस्तों, हमारा ये है अगला पार्ट, जैसा कि मैंने यहाँ भी कुछ बताया था क्वेश्चन, उसी का आंसर यहाँ तक पहले का आंसर हुआ, फिर यहाँ मैंने जांच की थी या था। फिर यहाँ अगला देखते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन, ये हमने एक्सरसाइज का पहला बताया था। ये विधि मतलब एक समीकरण दो समीकरण से फिर तीन समीकरण बनाएंगे, फिर हल करेंगे। ये प्रतिस्थापन होता है, अभी हमने एक और दो नहीं पढ़ा है, साधारण से प्रतिस्थापन विलोपन सीख रहे हैं। फिर दोस्तों, हम कंटिन्यू करेंगे, प्रतिस्थापन विलोपन से ज़्यादा आता है ना, मतलब ये दोनों आएंगे ही, एक नंबर एक भी, या फिर दोनों आ सकते हैं, और ये हमें बनना ही चाहिए, ये बहुत आसान है और 4 नंबर का आएगा। और अगर ये बनेगा तो फिर इससे और एक्सरसाइज जो कि लिखित के रूप में रहती हैं, जैसे कि कुछ रहता है ना लिखित की, जैसे कि फिर बताऊँगा जब क्वेश्चन आएंगे। आप लोग अगर बुक चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ से आप लोग क्लिक कीजिएगा और चले जाइएगा पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। वहाँ से पीडीएफ बाय पीडीएफ बुक के मिल जाएंगे, जैसे एकदम बुक होती है उसी तरह पीडीएफ बाय पीडीएफ मिल जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज हम 3.3 के कुछ क्वेश्चन बताएंगे, जैसा कि आप लोग को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ये पहला क्वेश्चन जैसा कि हमने कल लिया है, और दूसरा करेंगे, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, इस तरह के हमें सारे करना है। फिर जो भी हम मैंने बोल रहा था, तो जैसे कि ये नीचे दिखाई दे रहा है, ये वाले ये रहेंगे, हल कीजिए एम वाई एम का मान, इस तरह के कब बनेंगे, जब ये हमसे अच्छे से बनते रहेंगे, इसीलिए हमने बोला साधारण सा प्रतिस्थापन पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब हम लिख लेते हैं क्वेश्चन, जैसा कि आप लोगों को देख लिए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने क्वेश्चन लिख लिया है, एस माइनस टी इक्वल टू 3 और एस अपॉन 3 प्लस 1/2 इक्वल टू 6। ये समीकरण हमने एक मान लिया, समीकरण दो मान लिया, इसे हम और क्या कर सकते हैं, इक्वल टू करके हमें इसे सेपरेट कर देना है, जैसे एस वाई 3 प्लस 1y2 माइनस 6, इसको इधर ले लिया, ऐसे कर दिए, इसको इधर ला लिया, इसलिए माइनस में होगा। फिर अगले स्टेप में क्या हुआ, एस वाई 3 प्लस 1y2 माइनस 6। ओ, यहाँ पास थोड़ी क्या करना है हमें, इनका सबका लघुत्तम लेना है, जैसा कि भिन्नों का जोड़ बन गया, भिन्नों को घटाना। तो हम पूरे में क्या करेंगे, इसका हिस्सा जब लघुत्तम लेंगे ये दोनों गुणा हो जाएंगे, तो 6 इससे ये कट भाग देंगे तो आएगा 2, ऊपर गुणा होगा तो 2s प्लस, इसको इससे भाग देंगे तो आएगा 3, ऊपर गुणा होगा माइनस, इसके यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये पूरे का होगा गुणा, भाग आएगा, जैसे 6 में 1 का भाग देंगे तो 6 आएगा, 6 का ऊपर गुणा होगा तो 6×6=36 इक्वल टू 0, इस तरह है। फिर ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2s प्लस 3, यहाँ पास टी था, जैसा कि ये टी होगा क्योंकि दो पद होंगे, ये एक्स वाई होंगे या फिर एस टी होगा, यहाँ पास टी है तो यहाँ 3t हुआ, तो ये भी 3t माइनस 36 इक्वल टू 0, जैसा कि इसका इधर गुणा हुआ तो 0, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, ये हुआ इक्वेशन दो, जो कि हमने यहाँ भी दे दिया था। अगर यहाँ नहीं देना चाहते तो इसको इस तरह सॉल्व कर, यहाँ लिख लेंगे इक्वेशन एक और इसको फिर सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि मैंने कर दिया है, इसको दे देंगे इक्वेशन दो, या फिर इक्वेशन 3 भी दे सकते हैं। ठीक, तो मैंने इक्वेशन दो दे दिया है,
आगे करते हैं। आगे ये हमें मिल गया इक्वेशन एक हमारा ये है, ये वाला पहला यस माइनस टी इक्वल टू थ्री, और अब दूसरा हमारा ये हो गया टू यस प्लस थ्री टी इक्वल टू 36। ये हमारा इक्वेशन दो हो गया है। तो दोस्तों जैसा कि इसमें हमें समीकरण एक दो से तीन बनाना होता है, हम क्या लिखेंगे जो आसान होता है, जैसा कि इसमें समीकरण एक आसान है तो हम लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से लिखेंगे, फिर लिखेंगे यस माइनस टी इक्वल टू थ्री, ये हमारा समीकरण एक था जैसा कि हमने उसी तरह उतार लिया। फिर इसको करेंगे यस इक्वल टू थ्री प्लस टी, यस को रोक लिए, टी को उधर भेज दिए जो कि माइनस में था प्लस हो गया, ये हमारा समीकरण हो गया तीन। अब हम क्या करेंगे समीकरण तीन का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण तीन का मान समीकरण दो में पुट करने पर, ये भी हो सकता है लेकिन हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं तो रखने पर। जैसा कि अभी हमने बताया था अगले वीडियो में कि जिस समीकरण जैसे हमें समीकरण एक से हमें समीकरण तीन बनाया तो एक में नहीं रखेंगे क्योंकि रख देंगे तो जीरो आ जाएगा, इसलिए हम समीकरण दो में रखेंगे। जिस समीकरण से हम तीन बनाएंगे उससे हमें उसमें नहीं रखना, उसके अदर वाले में रखना है, दूसरे में, जैसे कि हम तीन से दो में रख रहे हैं। दो हमारा समीकरण अब ये हो गया है, तो टू यस प्लस थ्री टी इक्वल टू 36, ये हुआ यस की जगह पे रखेंगे तो टू थ्री प्लस थ्री टी इक्वल टू 36, ये हुआ ठीक। इसके आगे क्या होगा, इसके आगे इसके बड़ा होगा छः प्लस टू टी प्लस थ्री टी इक्वल टू 36, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 5t इक्वल टू 36 माइनस सिक्स, तो 5t इक्वल टू 13, जैसे कि 30, तो t इक्वल टू 30/5, तो जैसे कि 5 × 30 होता है तो t इक्वल टू 6। तो दोस्तों t इक्वल टू हमारा क्या आया 6। अभी हमारा इतना है ठीक, अभी हमें और करना है, जैसे कि ये अब आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, अभी नहीं दिख रहा था बट अब दिखाई दे रहा है ठीक। यह हुआ, अब इसी में हम यहाँ पास क्या कर लेते हैं, वाई का मान निकाल लेते हैं। ये हमें किसका मिला, एक्स का मान। अब हम करेंगे वाई का मान कैलकुलेट, जैसे कि ओ वाई एक्स होते हैं बट यहाँ पर एस टी है, तो टी का मिल गया तो हम किसका कैलकुलेट करेंगे, एस का। तो चलिए देखते हैं एस का कैलकुलेट करने के लिए हम समीकरण एक दो तीन, तो तीन में रख देते हैं क्योंकि तीन में इधर ऐसे इधर टी का मान रख देंगे तो आसानी से आ जाएगा। तो लिखेंगे टी का मान समीकरण एक दो तीन में रखने पर, इस तरह लिख देंगे, तीन लिख लेंगे यस इक्वल टू थ्री प्लस टी, यस को यहीं रहने देंगे तो थ्री प्लस टी की जगह पे छः, तो यस इक्वल टू 9 और टी इक्वल टू 6। जैसा कि ये आ गया, अब हमें इसे चेक करना है। जैसा कि मैंने चेक करने के लिए बताया था, आप लोग नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को अवश्य देखिएगा, यहाँ पास हम बता देते हैं यहाँ भी जांच करने के लिए कैसे जांच करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं हम जांच, जांच करने के लिए जो हमारा समीकरण एक और दो है ना ऊपर, जैसे कि ये दिखाई दे रहे होंगे आपको, समीकरण एक ये है, इसमें यस टी के मान रख देना है ठीक। जैसे कि यहीं पास मैं कर लेता हूँ, ये समीकरण एक से कर रहे हैं जांच, यस की वैल्यू हमें मिली है 9, तो 9 माइनस टी की वैल्यू मिली है 6, तो 6 इक्वल टू 3, जैसे कि ये जाएंगे तो 3 इक्वल टू 3, मतलब हमारा ये सही है। इस तरह हमें चेकअप करना होता है ठीक दोस्तों, जैसा कि आप लोग को समझ में आओगा लगभग। तो इसका एक क्वेश्चन और देखेंगे, प्रतिस्थापन विधि है ये दोस्तों, चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं ठीक दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोग को क्वेश्चन दिखाया था तो पहला हो गया था उसी वीडियो में, उदाहरण किए थे, इसमें दूसरा कर लिया और तीसरा कर रहे हैं ठीक दोस्तों। प्रतिस्थापन भी दिया है, तो हम यहाँ पास समीकरण, जैसे कि इसमें थोड़ी ये बड़े होंगे, जैसे कि ये ज़्यादा यहाँ पास अगर पद रहेंगे तो लंबा हो सकता है, अगर कैलकुलेशन अगर अगर ना होंगे तो लंबा नहीं होता, जैसे कि वो वाला भी आसानी से हो गया। यहाँ पास जैसे कि ये आसान दिख रहा है थोड़ी छोटा, इसीलिए यहाँ भी समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण एक से,